नमस्ते, गुड इवनिंग। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर रूब्रिक लर्निंग जर्नी। टुडेज रूब्रिक इज रिबेलियस। रिबेलियस मीन्स नॉट डूइंग व्हाट अथॉरिटी, सोसाइटी एटसेट्रा वांट्स यू टू डू। हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसएग्रीमेंट विद पीपल इन अथॉरिटी An organization or a government, especially showing such feelings through force. Rebellion means resisting treatment or management, means tending to fight against or disobey authority. Opposition to one in authority or dominance. A rebellious person likes to challenge. A rebellious person likes to challenge authority and break the rules every now and then. रिबेलियस मीन्स हिंदी में बात करें तो ये एक उद्धत पर्सन है, अक्कड़ पर्सन, शासन समाज आदि की अवज्ञा करने, यानी कि जो भी बंदे रिबेलियस होते हैं वो किसी नीति नियम को नहीं फॉलो करते, उनको मानते नहीं है और वो अगेंस्ट में ही बैठे रहते हैं। जैसे एक इसका अगर क्रॉस रेफरेंस आप देखो तो ये एक कॉन्ट्रारी बिलीफ, जो भी रिबेलियस पर्सन है, जो भी रिबेलियस वाली दवाइयां है वो सब कॉन्ट्रारी बिहेवियर में पड़ी हुई। कॉन्ट्रारी बिहेवियर से ये काफी स्ट्रांग, इसका जो बिहेवियर है वो काफी स्ट्रांग होगा, उसकी जो विल है वो काफी स्ट्रांग होगी, वो किसी भी मैनेजमेंट के सामने उतर जाए, ऐसे रिबेलियस पर्सन। तो आपको आप पेशेंट ऐसे मिल सकते हो, इवन इवन आपकी क्लिनिक में भी ये उनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है रिसेप्शन के सामने और इवन आपके सामने भी। जैसे अगर आप बोले कि हम जैसे होम्योपैथी में जो सूचना देते हैं कि भाई कुछ लगाना नहीं है और कोई दवाई नहीं करनी, तो वो करके ही आते वैसा। और फिर जब जब हम बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले हमसे बात करनी चाहिए, तो वो और बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी थी तो चले गए, और वो जो चेहरे पे जो आपको एक्सप्रेशन दिखेगा वो रिबेलियस के होंगे। तो उसमें आपको सब्जेक्टिविटी चाहिए कि जब रिबेलियस पर्सन ऐसा है तो कैसा होगा आपके पेशेंट। फॉलोअप में भी आपको पता चल सकता है कि ये तो रिबेलियस है, फिर आप हिस्ट्री जब आप उसकी वापस समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो लाइफ में थ्रू आउट रिबेलियस रहा है। तो रिबेलियस पर्सन ऑथोरिटी या फिर सोसाइटी जो बोलती है वैसा नहीं करता है, ये क्लियर कट है। उसके जैसा है एनार्किस्ट, अ पर्सन हु एडवोकेट्स और प्रमोट्स एनार्की और एनार्किज्म, समवन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड लॉज। एनार्किस्ट पर्सन ऐसा होता है जो जो प्रमोट करता है कि भाई विद्रोह विप्लव करने वाला, जैसे मंगल पांडे या फिर रानी लक्ष्मीबाई, अराजकतावादी, फिर और हमारे जो भी पीछे के जो रिवॉल्यूशनर रिवॉल्यूशनिस्ट थे वो सब वो एनार्किस्ट थे, जैसे गांधी जी। पर उन्होंने प्रमोट किया, एडवोकेट किया कि नहीं ये अंग्रेजों को हटाना है, ये है अराजकतावादी या फिर विद्रोहवादी या विप्लववादी। जैसे भगत सिंह ने खुलेआम कोर्ट में बोल दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हिंद छोड़ो, पर ये सब जो उन्होंने एक्टिविटी की दैट इज एनार्किस्ट एक्टिविटी। यहाँ गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ था, उसमें वो भी वो कैसे वो जिसने भी प्रमोट किया वो एनार्किस्ट है, लेकिन फिर आपको देखना होगा वो एनार्किस्ट बन के क्या वो उसने क्या किया। तो कभी कभी हमें पर्सन साइकोसिस यूज करता है और उसमें हमें दिखाता है कि वो एनार्किस्ट है, लेकिन अगर वो फिर एनार्किस्ट से वो अपनी सेल्फिश मोटिव को हासिल कर रहा है तो फिर वो एनार्किस्ट नहीं है। एनार्किस्ट एक ऐसे पर्सन, जैसे अगर आप अपने एक हाल ही में एक साउथ की एक मूवी आई थी जिसमें ये एनार्किस्ट दिखाया गया है,
मूवी का नेम में भूल गया, लेकिन ये मूवीज में से आपको काफी अच्छे से पता चल सकता है। जैसे वीरप्पन, वीरप्पन भी एक एनार्किस्ट है, तो वो एनार्किस्ट था, तो वो गवर्नमेंट और नियमों का उल्लंघन करते जा रहा था, कि उनको यही इच्छा रहती है कि भाई मैं कैसे इसको तोड़ू। तो ये काफी नजदीक है रिबेलियस से, रिबेलियस जो इसकी अवज्ञा करने वाला, मानने वाला नहीं है, रिबेल करने वाला है। तुम ऐसा बोलोगे मैं नहीं करूंगा, तो वो रिबेलियस बच्चों में खास करके मिल सकता है आपको, कि जैसा माँ बोले वैसे उसके सामने हो जाता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुमने क्यों मुझे बोला, मैं नहीं करूंगा, तो वो रिबेलियस। एनार्किस्ट मतलब फिर वो अपने भाइयों को भी बोलेगा कि भाई, भाई बहनों को भी बोलेगा, नहीं मम्मी वैसा बोले वैसा नहीं करना है, पापा बोले वैसा नहीं करना है। तो ये एनार्किस्ट की क्वालिटी है, वो प्रमोट करता रहेगा, दूसरों को भी साथ में जोड़ेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। रिवॉल्यूशनिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन रिवॉल्यूशन एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज। पर्सन हु बिलीव्स इन रिवॉल्यूशन एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ रिवॉल्यूशन। ऐसा पर्सन जो जो रिवॉल्यूशन में बिलीव करता है, मीन्स समथिंग चेंज करना है, दैट इज रिवॉल्यूशनरी एक्शन, कि हमें बदलाव चाहिए। तो ये जो बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, ये है रिवॉल्यूशनरी एक्शन। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन रिवॉल्यूशन, अ रिवॉल्यूशनिस्ट इज समवन हु वी वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसा पर्सन जो दुनिया को बदल देगा, बदलने की चाहत रखता है, कंप्लीट चेंज इन मेथड्स, ओपिनियंस एक्सेट्रा ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की वजह से उनके मेथड, ओपिनियन, इन सब में बदलाव आ जाना, दैट इज रिवॉल्यूशनरी चेंज। हम बोलते रिवॉल्यूशनरी चेंज आ गया, काफी सारी बातों में हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन जब हम रूब्रिक की बात आए तब हमारा हमारी नॉलेज कम पड़ जाती, क्यों, क्योंकि हमने उसको डे टू डे लाइफ में यूज तो किया है वर्ड्स को, लेकिन हमने उसका मीनिंग भाव समझा नहीं। तो रिवॉल्यूशनिस्ट मीन्स जो जैसे हनुमान सर थे, तो उन्होंने मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशन लाए, बदलाव ला दिया, और कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की वजह से उन्होंने मेडिकल साइंस में बदलाव लाया, जिसकी वजह से आज हम सब डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। तो ये है रिवॉल्यूशनरी एक्शन। क्रांतिवादी, उन्होंने मेडिकल सिस्टम में क्रांति लेके आए, कि ऐसे नहीं, ये सिमिलिमम के बेस पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये है रिवॉल्यूशनिस्ट। प्रोटेस्टिंग इज अनदर क्रॉस रेफरेंस टू से और शो दैट यू, ये रूब्रिक आपको सिंथेसिस में से मिलेगा, सिंथेसिस रेपर्टरी। टू से और शो दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ और डिग्री विथ समथिंग स्पेशली पब्लिकली। तो टू से और शो दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ, ये ऐसा दिखाता है, ऐसा बोलते हैं कि जिसे आप उसको अप्रूव नहीं कर पाते। तो जब भी प्रोटेस्ट होता है, वो कैसी बातों पे प्रोटेस्ट होता है, कि ऐसी बातें जो अप्रूव नहीं हो सकती। टू से समथिंग फॉर्मली स्पेशली वेन अदर्स डू नॉट बिलीव यू, इस तरीके से फॉर्मली फॉर्मली बोलना, एकदम एकदम फॉर्म होके बोलना, कि जड़ता के साथ बोलना, कि जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाला बिलीव नहीं करता है ना, इसीलिए ऐसा तरीका अपनाना पड़ता है, द एक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिंग और जेस्चर ऑफ डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल के जेस्चर का एक्ट करना। तो कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन और डिस्प्ले ऑफ अनविलिंगनेस यूजुअली टू एन आइडिया और अ कोर्स ऑफ एक्शन। प्रोटेस्ट एम्फसाइजेज अफर्मिंग इन द फेस ऑफ डिनियल और डाउट। जब भी कोई मन में हमें डाउट होता है, तब तो हम प्रोटेस्ट पर उतर जाए, विरोध प्रदर्शन करना, किसी बात को दृढ़ता पूर्वक कहना, विशेषतः जब अन्य लोग संदेह करें। तो जब हमें ये डाउट हो कि ये हमारी जो जो सिफारिश है, जो
डिजायर से वो मान्य नहीं रहेगी तब हम प्रोटेस्ट पर उतरते। तो ये आपको डे टू डे लाइफ में कैसे मिल सकता है? ये तो जनरली एक एक बड़ी घटना हो, जैसे कोई भी विरोध प्रदर्शन, पाटीदार आंदोलन या फिर किसान आंदोलन, ये सब आंदोलन में ऐसे ऐसा प्रोटेस्ट। गांधी जी ने भी प्रोटेस्ट किया था सॉल्ट के मामले में, तो ये भी एक प्रोटेस्टिंग है। तो विरोध प्रदर्शन होता है बराबर, तो ये छात्राएं विरोध प्रदर्शन करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो ये एक प्रोटेस्टिंग है क्योंकि उनकी जो डिजायर है, उनका जो बोलना है कहना है वो अप्रूव नहीं होने वाला था सीधी साधी तरीके से। तो ऐसी चीजें जो अप्रूव नहीं हो सकता वो चीजों के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो प्रोटेस्टिंग जो प्रोटेस्टिंग करते हैं उस इसीलिए इन सब में अगर आप दवाइयां देखेंगे तो काफी सिमिलर, क्योंकि एक एक सेम एनर्जी का पार्ट है, अलग अलग है, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन फिर थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती, लेकिन ज्यादातर दवाई आपको सिमिलर मिलेगी क्योंकि एक ही एनर्जी से ये बिलोंग करते हैं। तो प्रोटेस्टिंग आपको डे टू डे लाइफ में, पेशेंट की डे टू डे लाइफ में कैसे मिल सकता है? तो जब भी पेशेंट आपके हिस्ट्री में आपको बोले कि सर जब मुझे मैंने जब पहला मोबाइल लिया तब मेरे पापा मुझे लेने नहीं देते थे, तो फिर मैंने लगातार 3 दिन तक नहीं खाया, तो फिर चौथे दिन पापा ने ले दिया, ये है प्रोटेस्टिंग। तो आपको ऐसे ही सिचुएशंस मिलने वाले हैं, इंडिविजुअल लाइफ की सिचुएशन मिलेगी जहां से आपको रूबरी को उठाना है कि वो कहाँ रिबेलियस है, कहाँ रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया, कहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो सब कुछ काफी काफी एक दूसरे, हमें एक छोटी छोटी बातों से हमें उसकी क्वालिटी, ये सब क्वालिटीज मिल सकती। और है फैनेटिसिज्म, फैनेटिसिज्म द क्वालिटी ऑफ बीइंग फैनेटिकल, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव एंथुजियाज्म एंड इंटेंस अनक्रिटिकल डिवोशन टुवर्ड्स सम कंट्रोवर्शियल मैटर लाइक रिलीजियन और पॉलिटिक्स। तो ये एक कंट्रोवर्शियल यानी कि जिसमें विरोधाभासी है, यानी कि इसमें इजीली हम इसका अपोजिशन कर सकते हैं। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये दोनों ऐसी मैटर है जिसमें जिसमें कंट्रोवर्सी है, और जब ऐसी मैटर के प्रति किसी का बिना बिना सोचे, बिना कोई विचार विमर्श किए पूरा डिवोशन सरेंडर हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो बिहेवियर आ जाता है और उसमें जो एंथुजियाज्म आता है वो है फैनेटिसिज्म। इसको कहते हैं फैनेटिक्स, पर्सन को फैनेटिक्स कहते हैं और उसकी जो बिहेवियर है उसको कहते हैं फैनेटिसिज्म। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट और डिवोटेड टू सम इंटरेस्ट और एक्टिविटी, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें पूरे पूरा वो डिवोटेड होता है, 100% सरेंडरिंग भाव में होता है। एक्सट्रीम बिलीफ्स दैट मे लीड टू अनरीजनेबल और वायलेंट बिहेवियर, एक्सट्रीम बिलीफ जो जो अनरीजनेबल है और उसके साथ उसका ये वायलेंट बिहेवियर आ जाता है, जिसको जिसको हम कहते हैं कट्टरता। तो फैनेटिसिज्म मींस कट्टरता, कट्टरता मींस कि जैसे कोई कोई रिलीजियन की कुछ बात छिड़े, तो उस रिलीजियन में जब कोई कोई कुछ बोलता है कि भाई तुम्हारा रिलीजन ऐसा है वैसा है, जैसे अभी हाल ही में काफी ऐसे हादसे हो गए, जैसे कुछ कुछ टाइम पहले मोरारी बापू ने कुछ कहा था किसी धर्म के विरुद्ध, और उनका काफी विरोध बढ़ा चढ़ा के बोल हुआ था। फिर जाके द्वारका में भी ऐसा ही एक फैनेटिसिज्म एक्टिविटी हुई थी। तो ये है धार्मिक कट्टरता या फिर राजकीय कट्टरता होती है, पॉलिटिकल कट्टरता। जैसे अभी हाल ही में ये अभी चुनाव आने वाला है, तो इलेक्शन आने वाला है, उसके उस जब आप टीवी ऑन करेंगे तो उसमें आपको फैनेटिसिज्म दिखाया जाता है कि सभी तरीके सभी पार्टियों के एक एक नेता को बुला के बिठा के उसके साथ बहस करवाते, दैट इज फैनेटिसिज्म। तो ये है फैनेटिसिज्म
यानी कि आपके कभी कभी क्या है कि मैं हिस्ट्री में लेते लेते अगर मुझे डाउट हो कि ये फेनाटिसिज्म में है, तो मैं उसकी बातों को छनछेड़ता हूँ, उसको इरिटेट करता हूँ, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि वो फेनेटिक्स है कि नहीं है। ये मेरी अपनी अपनी केस टिकिंग की स्टाइल है। तो अगर मुझे तो ये हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे उससे पेशेंट में से ऐसे काफी वो उसको क्रॉस में करता हूँ कि भाई आपके धर्म में ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो जो फैनेटिक्स होंगे वो तो फिर वो उतने आपको एक्साइटेड दिखे कि नहीं नहीं सर आप कैसे बात कर रहे हैं, हमारा ऐसा थोड़ी होता है, इसमें तो ये तो काफी अच्छा है, वैसा है वैसा है, पर आपको काफी सारा समझा देंगे। जो फैनेटिक्स होंगे वो पूरी बात अपने रिलीजन, अपने पॉलिटिकल पार्टी, इन सब के बारे में फैनेटिक्स इसको कहते हैं। तो ये काफी सिमिलर आपको लगेगा कि ये तो रेबेल करता है या फिर ऐसा है या फिर रिवॉल्यूशनरी है, लेकिन आपको एक उसके जो डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग, जैसे मैंने अभी समझाई उस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आप। ये है रिवेलियस, देखिए वो फादर डांट रहा है लेकिन बच्चा झुका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों को देखिए, वो आंखों में आंखें डाल के कैसे रिबेल कर रहा है, दैट इज रिबेलियसनेस कि मैं तुम्हारा नहीं मानूंगा। गांधी जी इज ऑल्सो एनार्किस्ट पर्सन, वो उसने लोग को मानना इनकार कर दिया। भगत सिंह सॉरी चंद्रशेखर आजाद, ये है रिवॉल्यूशनरी एक्शन, उन्होंने की एनार्किस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी एनार्किस्ट। ये है प्रोटेस्ट, फ्री एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो प्रोटेस्टिंग, या फिर आप इसको रिबेलियस कह सकते हैं, एक दूसरे का विरोध करना, दिस इज ऑल्सो रिबेलियसनेस। बरा कोई समझा रहा है लेकिन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, यानी कि मैं सुन ही नहीं रहा हूं, दिस इज ऑल्सो रिबेलियसनेस। मदर समझा रही है लेकिन बच्ची तो फोन पे पड़ी हुई, और उसको तो ऐसा हाथ करके कह दिया कि भाई आप चुप रहो, दिस इज रिबेलियसनेस, दिस इज ऑल्सो रिबेलियस एग्जाम्पल। बरा सब लोग इधर जा रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने बोला कि इस तरह जाओ, किसी हायर अथॉरिटी ने बोला कि ऐसे जाना है, और जो रिबेलियस पर्सन होगा वो उल्टा जाएगा। तो जो रिबेलियस होगा वो उसको विरोध करेगा, एनार्किस्ट में एक पीछे वजह होगी, और रिवॉल्यूशन में चेंज लाना है इसीलिए। बराबर, तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो कुल मिला के बात यही है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, ये सब एक डिफेंस का पार्ट है। कोई बंदा क्यों एनार्किस्ट है, कोई बंदा क्यों रिबेलियस है, कोई क्यों रिवॉल्यूशनरी है, ये इसके पीछे की थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। जब भी हमें कोई ऐसा बंदा मिले, उसकी डिफेंस का पार्ट ऐसा मिले, तब हमें ये भी जानना होगा कि वो रिबेलियस क्यों है, एनार्किस्ट क्यों है, रिवोल्यूशनरी क्यों है, फैनेटिसिज्म में क्यों है। तो तब जाके आपको उसकी पूरी पूरी पिक्चर पता चलेगी, ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज आपको पता चलेगा कि किसने इसको ऐसा बनाया, पीछे ये चीज है, ये परसेप्शन है जिससे वो फैनेटिसिज्म है। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।